हेलो एवरीवन, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्यकालीन भारत। ये वीडियो है जो बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में ये होगा, हिंदी और इंग्लिश में। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 से होती है। हम देखेंगे कि कैसे चल के मोहम्मद बिन कासिम और इसके आगे चल के महमूद गजनबी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, इन सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आगे जाके आप देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत बनेगी, फिर उसके आगे जाके आप देखेंगे कि कैसे मुग़ल रूल आएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, जिसे हम नाम दिए हैं मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो है 712 एडी से लेके 1707 हम कंसीडर करते हैं, 1707 हम इसको कंसीडर करते हैं। फर्स्ट मुस्लिम, इसको कई जगह फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया भी बोला जाता है और कई जगह फर्स्ट अरब कॉन्क्वेस्ट भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। लेकिन फर्स्ट अरब कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया अलग है और फर्स्ट तुर्क कॉन्क्वेस्ट, जो हम बोलते हैं तुर्किश कॉन्क्वेस्ट, वो दोनों अलग हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा तुर्क, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपसे अगर तुर्क कंट्री के बारे में पूछा गया कि फर्स्ट तुर्क आक्रमण या भारत में फर्स्ट तुर्क कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, तो आपको वो ध्यान रखना है। तुर्क रहेगा कौन? महमूद गजनबी, वो रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट अरब कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, तो आप देंगे 712 एडी में, जो कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम आएगा। अब दोस्त यहाँ पे कुछ समझो, ये हमारा इंडिया है। आप थोड़ा यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको पाकिस्तान मिलेगा, फिर अफगानिस्तान मिलेगा, फिर इराक मिलेगा, ईरान मिलेगा, पर्शियन गल्फ वगैरह मिलेगा, और आपको यहाँ पे मिलेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से लोग कैसे अटैक हो रहा है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि कैसे इन्वेड कर रहे हैं इंडिया में। और सबसे पहले, उसके पहले आपको रीज़न समझना है कि रीज़न ऐसे क्या थे, ऐसे क्या हालात बन चुके हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि अब अरब के लोग सऊदी अरब से अब इंडिया पे अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसके एविडेंस के बारे में पता होना चाहिए। एविडेंस इन द सेंस, आपसे कभी भी अगर मेंस में एग्ज़ाम आता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एविडेंस ज़रूर कोट करना है। एविडेंस वो है जहाँ से हमको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ तो ये चचनामा, ये बुक है, अबू बकर कूफी ने इसको लिखी है, इसकी लैंग्वेज अरबिक है, अरबिक लैंग्वेज में ये लिखी गई है। और एक और है, एक बुक और है जिसे हम बोलते हैं फुतुहल अल बल्दानी द्वारा लिखी गई, अल बलादुरी ने इसको लिखी है, जिसका नाम है फुतुअल बुल्दान, ये बुक लिखी गई है। ये हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अरब जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, अरबों ने जो हम पे आक्रमण किया, जो हमारे पर एनेक्स किया उन्होंने इंडिया को, तो किस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है। फर्स्ट कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। सबसे पहले आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज सिंपली मीन्स दैट कि ओरिजिन का, इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ। 7th सेंचुरी में इस्लाम का ओरिजिन हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो 757 एडी में बर्थ होता है किसका? प्रॉफिट मोहम्मद का। नाउ प्रॉफिट मोहम्मद का जब बर्थ होता है, उनका बर्थ मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब में, प्रेजेंट में सऊदी की कैपिटल है रियाद। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, उनकी माता का नाम था अमीना, और उनके डॉटर जो थी वो थी फातिमा, और जो उनके सन इन लॉ थे वो थे कौन? अली। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ओरिजिन ऑफ इस्लाम का, क्योंकि आप जब ओरिजिन ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो अरब हैं वो हम पे आक्रमण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 712 में हुआ, नहीं, उसके पहले भी हो चुका था, लेकिन जो फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट हुआ, जिसे हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट था, सक्सेसफुल वॉर लड़ा गया और जीता गया, वो लड़ा गया 712 में। अब आप थोड़ा सा एनलाइटमेंट देखें कि किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को एनलाइटमेंट हुआ, किस तरीके से उनको, हिंदी में बोलते हैं किस तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो एनलाइटमेंट जो है उनको 610 एडी में, 610 एडी में उनको हीरा केव मक्का जो है वहाँ पे वो गए, वहाँ से उनको क्या हुआ, उनको एनलाइटमेंट हुआ। यहाँ से उनको एक बुक मिली, उनको पूछा गया कि ये बुक आपको किसने दी, तो उनने बोला ये बुक हमको गैब्रियल ने दी है, जिसको क्या बोला जाता है, एंजल ऑफ गॉड बोला जाता है। इस बुक को उनने नाम दिया क्या, होली कुरान।
इस बुक को उन्होंने नाम दिया होली कुरान। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ से, अब जब जो गैब्रियल था, गैब्रियल ने उनको ये बोला कि आप जाके इस्लाम का जो इस बुक में जो बात लिखी हुई है आप उनको जाके लोगों को बताओ। और उन्होंने शुरू कर दिया प्रमोशन ऑफ इस्लाम। कई लोग हुए, लेकिन दोस्त आपको यहाँ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी समझना है। देखो, सऊदी में पहले क्या होता था, सऊदी में पहले अलग अलग छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्रुप ऑफ पीपल्स। ये अलग अलग रिलीजन को मानते थे, इनका कोई रिलीजन ऐसा नहीं था परफेक्ट, ये सब अलग अलग रिलीजन को या अलग अलग लोगों को मानते थे। और ये आपस में कॉन्क्वेस्ट भी होते थे, इनमें लड़ाइयाँ भी होती थी। ठीक है, जब प्रॉफिट मोहम्मद को नॉलेज हुआ, उनके पास बुक आई, उनको उन सब चीज़ों के बारे में जब नॉलेज मिला उनको, तो उन्होंने इन सब लोगों को बताना शुरू किया। अब जब इन लोगों को बताना शुरू किया तो इनको धीरे धीरे ये सब प्रॉफिट मोहम्मद के साथ आने लगे, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के वो क्या हो गए, उनके, उनको मानने लगे कि हाँ ये जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। और धीरे धीरे करके उनको इन्फ्लुएंस कर लिया गया, मतलब इनकी जो टीचिंग थी प्रॉफिट मोहम्मद की, उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस कर लिया। अब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, आई होप जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हो गई तो खलीफा जो थे वो सुप्रीम बन गए। मींस जब प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके बाद कौन आए, खलीफा बन गए, जिनको कैलिफेट भी बोला जाता है। कई जगह आपने देखा होगा इनको कैलिफेट भी बोला जाता है। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप 1919 में पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट, ये यहीं से रिलेटेड है, ये वही खलीफा हैं। ठीक है, पहले खलीफा होते हैं कौन, अबू बकर, सेकंड होते हैं उमर, थर्ड होते हैं उस्मान और फोर्थ होते हैं अली। नाउ रिमेंबर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसने लिखी है, तो इब्न इशाक ने लिखी है क्या ऑटोबायोग्राफी, किसकी, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की। अब इसके बाद समझो, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है तो अब जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक होते हैं शिया और एक होते हैं कौन, सुन्नी। एक फॉलो करते हैं अली को और एक फॉलो करते हैं किसको, एक फॉलो करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब को। अब आपके सामने ये जो स्लाइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इन्वेजन हुआ और उसके रीज़न क्या थे। ये एमपीपीएससी मेंस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रीज़न क्या थे, कई बार यूपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न ये है उनका इन्वेड करने का कि हमको इस्लाम का क्या करना है, जैसे उनको बुक मिली तो उनको क्या करना था, हमको इस्लाम को प्रमोशन करना है। और इन्होंने ही नहीं, बाकी जितने भी लोग आए भारत में, आप महमूद गजनबी को पढ़ लें, आप मोहम्मद गौरी को पढ़ लें, आप फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत को पढ़ लें, आपको सब चीज़ें यही मिलेंगी कि सब ने ही क्या किया है, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ इस्लाम किया है। उसके आगे आप जाएंगे, जब इन लोगों ने सीरिया और इजिप्ट में, रिमेंबर दिस पॉइंट, सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, जब सीरिया और इजिप्ट ने इन्होंने प्रमोशन कर लिया, उसके बाद ये सिंध पे कैप्चर करने के लिए आए कि अब हम सिंध को एनेक्स करेंगे। लेकिन और उनको कहीं से ये भी जानकारी मिली थी, क्योंकि जो इंडिया से जो रूट जाता था, इंडिया ये है, अगर मान लीजिए आप इंडिया से जो रूट जाता था तो यही सऊदी अरब वाला जो एरिया है, ईरान इराक से होते हुए यूरोप जाता था, तो ये सिल्क रूट भी कहलाता है। इनको कहीं से पता चलता है कि भारत के पास बहुत वेल्थ है, मतलब बहुत रिच कंट्री है इंडिया, तो ये इंडिया पे इन्वेट करते हैं। क्योंकि उस समय के हालात सीरिया सऊदी अरब के ऐसे हालात थे कि उस समय आप समझ लीजिए वहाँ पे ना ज़्यादा प्रोडक्शन था ना कुछ था। ठीक है, और मेन सेकंड रीज़न उनका, एक रीज़न ये भी है कि उनको अपनी बॉर्डर एक्सपांड करनी थी। एक्सपांशन ऑफ बॉर्डर इट मीन्स अपनी सरहदें बढ़ाना था, अपने एरिया को और ज़्यादा करना था, उससे क्या होता उनको एनॉर्मस वेल्थ मिलती। ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था
जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट रीज़न। इमीडिएट रीज़न मतलब उस समय अटैक करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अटैक तो पहले भी हो सकते थे, पहले भी हुए थे, लेकिन अटैक करने का सबसे मेन रीज़न था कि जो पायरेट्स हैं, मतलब इन मीन पायरेट्स इन हिंदी मीन्स जो लुटेरे होते हैं उनको पायरेट्स बोलते हैं। जो पायरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, शिप्स को लूट लेते हैं। अब जब शिप्स को लूट लेते हैं तो यहाँ का जो किंग रहता है दाहिर, यहाँ का जो किंग रहता है दाहिर, उससे जो सुल्तान रहता है वो बोलता है कि सर आप कुछ करें, ये इन्होंने हमारी इतनी शिप्स लूटी हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपके एरिया में, सिंध वाले एरिया में लूटी जा रही हैं। लेकिन दाहिर क्या करता है, उनकी बात नहीं सुनता। अब क्या होता है कि 712 में ये लोग अटैक कर देंगे। अब एक छोटे सा शुरू हुआ था कैलिफेट था, वो छोटा सा एम्पायर था, देखते ही देखते वो एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका है। अब खलीफा ने अपना एम्पायर है वो बहुत वास्ट कर लिया है, वास्ट इन द सेंस बहुत ज़्यादा वास्ट कर लिया है। आप समझ रहे हैं, सऊदी से लेके ईरान से लेके इराक से लेके अफगानिस्तान से लेके अब वो इंडिया में सिंध तक आ चुके हैं। ठीक है, आपने ये एरिया भी आप देख सकते हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, और वहाँ पे जाके आप देखिए सीरिया, इजिप्ट तक उनका शासन है, मतलब वहाँ तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इराक की कैपिटल है बगदाद, अफगानिस्तान की है काबुल, और सऊदी अरेबिया की क्या, रियाद। अब उम्मेद खलीफा जो रहता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अब जो है पायरेट्स ने क्या किए हैं, उनकी शिप्स लूट ली हैं, शिप्स को लूट लिया है, शिप्स को उन्होंने लूट लिया है। अब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है किसके लिए, कि आप जाओ और वहाँ से लड़ के आओ और जीत के आना, कि हम अपनी सरहदें बढ़ा चुके, कि हम अपनी सरहदें, हम जिसमें हमारी सरहदें बहुत बढ़ जाएं। ऐसे करते करते अब फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया होगा, फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया, रिमेंबर दिस इज फर्स्ट इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेजन है और अरब है, अरब, क्योंकि ये बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट अरब और फर्स्ट तुर्किश कॉन्क्वेस्ट, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 712 में अल हजाज जो रहता है वो सुल्तान रहता है पर्शिया का, वो डिक्लेयर कर देता है कहाँ पे, जिहाद डिक्लेयर कर देता है सिंध में। और होता यही है कि सिंध में बैटल ऑफ रावोर लड़ा जाता है, जो 712 AD में लड़ा गया, और पहले सक्सेसफुल अटैक होता है, ये फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक होता है। इसका मतलब ये है कि 712 में तो हुआ, लेकिन इसके पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन वहाँ के जो किंग थे वो ऐसे थे कि उनको डिफेंड कर दिया, कई बार उनको हराया गया। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी लेड करता है तो वो क्या करता है, वो दाहिर को हरा देता है, बैटल ऑफ रावोर होता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बैटल ऑफ रावोर कब हुआ, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, 712 AD में हुआ। और दाहिर जो सिंध का राजा होता है और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जो है वो वॉर होता है, दाहिर हार जाता है। रिमेंबर उस समय दाहिर तो एक ब्राह्मण था, दाहिर ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता था, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो बुद्धिस्ट थी, जो मेजॉरिटी थी यहाँ की वो बुद्धिस्ट थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, UPSC में एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 712 में जो बैटल ऑफ रावोर हुआ उसमें जो राजा था वो ब्राह्मण था, ऑप्शन ए दिया गया। सेकंड ऑप्शन दिया गया कि क्या वहाँ की जो प्रजा थी, मींस वहाँ के जो लोग थे वो क्या बुद्धिस्ट थे, तो जी हाँ बिल्कुल बुद्धिस्ट थे। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि इसके इफ़ेक्ट क्या हुए, इफ़ेक्ट इन द सेंस ये फैक्चुअल है जो आपको मेंस में बहुत काम आएगा। जब सऊदी और इंडिया में, ये सऊदी है मान लीजिए, जब सऊदी ने इंडिया पे अटैक किया, मींस इन द सेंस अरब जब आए भारत में तो वो क्या लेके आए और वहाँ से क्या हुआ, तो सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिमेंबर एट दैट टाइम जो अरब लोग थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो जस्ट लाइक आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो आपको कई वर्ड जो होंगे वो अरब के मिलेंगे। जस्ट लाइक आप अभी मॉनसून भी देखेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि मॉनसून जो है वो अरब वर्ड है। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ। जस्ट लाइक फेस कवरिंग भी जो एक प्रथा थी, एक जो रिचुअल था,
फेस कवरिंग जो थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहीं से आई थी फेस कवरिंग, ठीक है। भारत में कैमल फार्मिंग अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम जो आर्यभट्ट का था, जो हमारा आर्यभट्ट ने बनाया हुआ था डेसिमल सिस्टम, वो ट्रांसफ़र हुआ अरब, और फिर अरब से गया कहाँ, यूरोप। फिर उसके बाद जो फर्स्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पेपर में पूछा गया कि फर्स्ट टाइम जो जजिया है, मींस इट्स अ नॉन मुस्लिम टैक्स, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम रहते हैं उन पे ये टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो जजिया किसने इम्पोज किया था, सबसे पहले जजिया इम्पोज किया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम में, कासिम ने किया था, एंड उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको आगे चल के और बढ़ाया। तो ये चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है।